रास्ते पर निकल जाता है। जब एक मुल्क शहबाज शरीफ जैसा करप्ट आदमी, नवाज शरीफ जैसा करप्ट भगोड़ा, आसिफ सरदारी जो 30 साल से मुल्क को लूट रहा है और फजल रहमान जो बात इस्लाम की करता है और अपना जमीर डीजल के परमिट पे बेचता है, जब ये लोग एक मुल्क के ऊपर क्यादत में आ जाते हैं तो मेरे खुशाब के लोगों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, ये याद रखें, वो मुल्क की तबाही, मुल्क की बर्बादी, वो मुल्क फनाए तबाही की तरफ जाता है। इसलिए मैं जो आपके पास यहां आया हूं सिर्फ आपको एक चीज बताने के लिए कि ये जो इलेक्शन है ये बायलैक्स जिमनी इलेक्शन नहीं है, इसमें पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला होगा कि क्या हम इन चोरों के नीचे, क्या हम इन चोरों की क्यादत, क्या ये हमारा मुस्तकबिल है या हम एक आजाद, खुद मुख्तार, एक हकीकी आजादी की जंग लड़के हम एक वो पाकिस्तान बनाएंगे जिस पाकिस्तान का नारा था, पाकिस्तान का मतलब क्या, और मेरा तेरा रिश्ता क्या। बोलो हम सब वादा करते हैं, हाथ उठाकर मिलकर बोलो हम सब वादा करते हैं। और ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब कि अल्लाह कोई नहीं है खुदा तेरे सिवा, किसी के सामने नहीं एक मुसलमान झुकता। और सिर्फ हम इसको शिर्क ना समझे कि मूर्तियों के सामने ना झुकना, मिट्टी के बुतों के सामने ना झुकना, सिर्फ ये शिर्क नहीं, कोई भी